हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह ही मैंने आज देखे थे मेरे गार्डन में ये इतने सारी फ्लावरिंग हुई है। तो ये है रेन लिली प्लांट, ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है फ्रेंड्स। और ये घास की तरह वैसे तो हमेशा हरा भरा रहता है, पर जो बारिश के सीज़न में इसमें फ्लावरिंग होती है, भर भर के फ्लावरिंग होती है, तो आप ये देख ही रहे हैं। तो आज इतनी खुशी मिली है, बहुत दिनों के बाद एक खुशी का माहौल सा छाया है गार्डन में एक फ्लावरिंग होने के बाद। और काफ़ी सारे जो है भर के जो है पूरा पोट है फुल भर चुका है। वैसे मैं इस पोट को है जो खाली करने वाली थी, क्योंकि जो है आप देख रहे हैं टप है जो टूटा हुआ है। मैंने जो वेस्ट जो मेरे पर घर पर पड़ा था उसका यूज करके ही इसमें प्लांट लगाए थे। और आप एक बल्ब है जो रेन लिली का लगाएंगे तो आपके जो गार्डन में हजारों प्लांट है जो बन जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप भी है रेन लिली का पौधा लेके आए और अपने गार्डन में पूरी बरसात है फ्लावरिंग पाए। तो ये देखिए कुछ प्लांट है जो जिनमें सीड लगाए हुए हैं वो भी अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि बारिश है जो स्टार्ट होने वाली है और अब है जो प्लांटों में हरियाली छाने वाली है। तो एक गार्डनर के लिए ये खुशी की बात हो है, बहुत खुशी की बात है। और भी काफ़ी सारे जो है देखिए आपको दिख रहे हैं, इनमें फ्लावरिंग होगी। और बारिश जैसे ही आई उससे अगले ही दिनों 2 दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग देखो कितने अच्छे से हो रही है। और जैसे जैसे बारिश आएगी वैसे वैसे ही इस प्लांट में है जो फ्लावरिंग होती चली जाती है। तो आप भी इस पौधे को नर्सरी से अभी तुरंत ख़रीद ले, जो ये रेन लिली का प्लांट है। इसमें काफ़ी सारे कलर भी आते हैं, मेरे पास ये वाइट कलर में ही है। उसमें जो आपको दिखाऊं तो मैं अभी निकल नहीं रहा, कोई बल्ब मैं निकालूंगी ना इस प्लांट को इस पॉट से, क्योंकि ये टूट चुका है बिल्कुल सारा जो है टप है जो, क्योंकि प्लास्टिक है फ्रेंड, धूप में रखा रखा ख़राब हो जाता है। तो इसको निकालना है, अभी थोड़े से दिन इसमें फ्लावरिंग लेते हैं, फिर उसके बाद इसको है जो रिपोर्ट करेंगे दूसरे पोट में। मुझे जो है एक खाली ऐसा ही कोई बड़ा टब चाहिए, मैं सोच रही हूँ कोई कबाड़ी वाला मिल जाए उससे ही ले लूँ। तो मेरे पास टूटा हुआ टब तो है नहीं, क्योंकि इसको लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है फ्रेंड ये फ्लावर जो खिलते हैं। आज इतनी खुशी मिली है सुबह सुबह इन्हें देखकर, दिल को काफ़ी सुकून मिला है, राहत मिली है। चलो कुछ दिनों के बाद जो है प्लांटों की जो हालत आपने देखी होगी, जो गार्डनर है उन्हें तो पता ही है, क्योंकि इतने सूख गए थे प्लांट, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने प्लांटों में। तो बारिश के बाद ये राहत मिली है तो बहुत ही अच्छा लगा। कुछ प्लांट है जो ख़राब भी हो गए हैं, कुछ प्लांट बिल्कुल ही मर गए हैं। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपको इस साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी जल्द से जल्द इस जो है खूबसूरत से प्लांट को ख़रीदिए, बिल्कुल जब है सस्ता मिलेगा आपके आसपास ये प्लांट है, तो आप इसके जो 2-4 बल्ब लेके आएंगे तो आपके गार्डन में ये हजारों बन जाएंगे। पूरा पोट है कवर कर लिया है मैंने, 2-4 ही लगाए थे इसके अंदर, और अभी आप लगाएंगे तो आपको पूरा बरसात है जो फ्लावरिंग मिलेंगे। ये देखिए मैंने जो है इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता, बस इसमें पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है और ये मैंने सीड से लगाया था और काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रखी है। गर्मी से जब धूप आती है तो ये थोड़े पत्ते हैं जो मुरझा जाते हैं। इसमें मैंने पालक लगाया था, पालक है जो गिलहरी निकाल के ले गई बीज को, 1-2 पालक के बीज बचे थे, ये देख रही है आपको निकलने स्टार्ट हुए हैं। अब इसमें हम और पालक है जो डाल देंगे और थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबाएंगे जिससे कि गिलहरी ना निकाल पाए। और ये आप देख रहे हैं जो सिंगोनियम प्लांट है इसकी जो है रूटें हैं ऊपर आ चुकी हैं, और इसकी भी जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जब हमारी बरसात अच्छे से कंटिन्यू चालू होगी तब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, अभी इसको बिल्कुल ही हम छेड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि बरसात के दिनों में आप कोई भी प्लांट की कटिंग लगाएं, कोई भी पोट है रिपोर्ट करें, तो बहुत ही अच्छे से आपके प्लांट है चलेंगे। अब जब बरसात नहीं हो रही है तो आप प्लांटों को ना रिपोर्ट करें और ना ही कोई कटिंग लगाएंगे तो बेस्ट होगा। ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट में जो है नया छोटा सा बेबी प्लांट निकल के आया है, तो काफ़ी अच्छा लगा देखने में इस प्लांट को भी, और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को भी आप है जो लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। मनी प्लांट की हालत मैं आपको दिखाई चुकी हैं, ये छोटी छोटी बोतलें हैं जो DIY किए हुए थे, ये भी खाली हो चुके हैं क्योंकि सूख चुके हैं, इनके अंदर जो प्लांट लगे हुए थे वो बिल्कुल ही जल गए हैं धूप के कारण, मर चुके हैं। ये देखिए यह एक हमारा मिठाई का डब्बा है, इसमें भी मैंने प्लांट लगाया हुआ था वो भी ख़राब हो गया है। एक ये जेड प्लांट है जो बिल्कुल परफेक्ट हमारा चल रहा है, और ज़्यादातर हमारे प्लांट सूखे हुए हैं,
ये पता नहीं किस चीज़ का सीड्स मैंने डाला था, बीज डाला था, सब्जी वगैरह काटते हैं या धोते हैं वो जो पानी में डालती रहती हूँ प्लांटों में, तो ये पता नहीं किस चीज़ का बीज है जो प्लांट बना है। तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये है मॉन्स रोज हमारा, और ये बरसात के बाद काफ़ी जो है इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। ये है हमारा डेविल बैकबोन प्लांट, और इसकी मैंने है जो रूट बाउंड होने पर इसको जो है रिपोर्ट किया था, इसकी वीडियो भी शेयर की थी। तो देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें जो है फूटिंग हो रही है, यानी कि नई नई ग्रोथ है निकल के आ रही है। ये है हमारा मिलियंस प्लांट, और ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसको भी मैं किसी पोट में रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि ये जो हमारा जो है मिट्टी का गमला है वो टूट चुका है। और ये जो हमारी टर्टल वाइन है ये भी जूतों के अंदर अच्छे से ग्रोथ कर रही है, और अब बारिश हुई है तो प्लांटों में हरियाली ऑफकोर्स छाने ही वाली है। और ये हमारी जो सिंगोनिया मोनमनी प्लांट एक साथ हमने बोतल में लगाई थी, ये भी अब बारिश के बाद इसमें राहत मिली है, हरियाली सी छाई है प्लांट में। तो बरसात के बाद का प्लांटों में जो है व्यू आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे और अच्छे से इनका। ये मेरा जो प्लांट है बिल्कुल मरने वाला था, मैंने जो है बीमार होने के बाद इसको थोड़ा सा संभाला है। और ये हमारा क्रिसमस ट्री का प्लांट है फ्रेंड्स, इसको जो है रिपोर्टिंग चाहिए, क्योंकि पोट है छोटा है और प्लांट हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका था। देखिए ये सूखने लग गया है, देखिए पत्तियां मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे टूट रही है जैसे सूखी हुई पत्ती टूटती है। तो मैं इसको है कुछ दिनों में, बरसात अब कंटिन्यू होगी तब इसको है जो बड़े पोट में रिपोर्ट कर देंगे। और ये है हमारी जामुन के सीड से हमने बीज डाले थे इसमें टब के अंदर, वो ये सीड से ही बने हैं दोनों पेड़ है जो प्लांट है जो हम इसको है जो ज़मीन में रिपोर्ट कर देंगे। और ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है जामुन का पौधा है जो, और इसमें टब में काफ़ी सारे प्लांट है जो लगे हुए हैं। एक वो जो घर पे वेस्ट मटेरियल है जो वेस्ट चीज़ का बाड़ है उसका मैंने यूज़ किया हुआ है, बाल्टी टब वगैरह जो भी मेरे घर पे होता है जो टूट जाता है फूट जाता है उसका मैं अपने गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। तो आप भी अपने घर पर जो कबाड़ होता है उसका गार्डनिंग में यूज़ करें और अपने गार्डन और अपने घर को हरा भरा बनाएं। ये देखिए आप रेन लिली देख रहे हैं, ये भी मैंने कबाड़ में ही लगाई हुई है। और ये हमारा जो है विनका है, विनका में भी फ्लावरिंग काफ़ी हो रही है। तो वीडियो फ्रेंड आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।